इस सरकार थी, पहले तो ये सरकार उसके महंगाई किया, 40% का मुद्दा किया, बेरोजगारी बढ़ाई, ऐसी है सरकार। तो कर्नाटक की जनता आज अपने वोटिंग के द्वारा ये सवाल पूछ रही है सरकार को कि क्या हुआ। मीडिया वाले देख रहे हो, पूरे मीडिया वाले हैं इधर, सब लोग मिलकर गाएंगे तो और मजा आएगा। सबको गाना मालूम है ना, हमारे पीछे पीछे गाई क्या हुआ वादा वो कसम वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा अच्छे दिन पहला पता किसी को मिल जाएंगे तो पता तो पता क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा याद है मुझको तुमने कहा था महंगाई तेरे ना बढ़ेगी कभी जो बेरोजगार है सबके कुछ ना कुछ काम मिलेगा दिया तुमने उसे जुमला दिया नशा पावर का ऐसा भी क्या कि तूने आजादी का खून कर डाला सभी लोग तेरा पाना कसम कोई राजा अच्छे दिन पहला पता कर किसी को मिल जाए तो क्या तेरा वादा वो कसम वो इरादा। आप सब लोग से गुजारिश है कि आप देश के जुमले वाली सरकार को बता दिया कि भाई जुमला हमेशा तो नहीं चलेगा, आप सारे लोगों को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते, कुछ लोगों को कुछ समय बनाया जा सकता है लेकिन सच्चाई सामने आती है। एक सरकार कर्नाटक में रिपीट नहीं करती है, वो लग रहा है कि इस बार भी वो सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। सभी परेशान है और इसको इसी सलूशन के लिए कांग्रेस को ला रहे हैं। शंखनाद हो चुका है 2024 का शंखनाद है, 40% करप्शन पे जीते हैं, 70% कमीशन पे जीते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है इस बार कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक की जनता ने बता दिया, आप राहुल गांधी का घर खोचेंगे तो कर्नाटक दे देंगे और लोकसभा खोचेंगे तो भारत दे देंगे। और प्रियंका गांधी ने क्या दिया कि प्रधानमंत्री आपके बीच में आकर अपनी समस्याओं पर रोता, अपने दुखड़े रोता है, जनता के नहीं, जनता को समझ ला। लोगों में खुशियां हैं, रुझान है अभी जैसे वक्त, लेकिन फिलहाल बहुत मुद्दत बाद दिल्ली के 24 अकबर रोड में कार्यकर्ता गुलजार है यहाँ का।